मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि भारतीय दंड विधान यानी कि IPC बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय का है और उसमें आज संशोधन की आवश्यकता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ी है, लेकिन कुछ जिन्ना टाइप के लोग थे जिनके कारण देश के दो टुकड़े हो गए। देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था, लेकिन पंडित नेहरू बन गए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आज शहजादा उनकी बहन और माँ जमानत पर हैं, और जो जमानत पर है वो जेल में जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय कांग्रेस ने लोगों को डराया कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मुसलमान को देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 10 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेस का झूठ था जो सबके सामने आ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भारत के राज करने में भी हम क्या इनके कानून लगा रहे हैं? इनके कानून लगा रहे हैं? देश आजाद कब हो गया? ये कानून कब बदलना चाहिए था? और बदलने के लिए भी बेस आप देखो, आधार क्या है? उन्होंने कहा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, ये बोला ना साहब। वो इसलिए बोल सकते हैं बात, उनके दंड देने के लिए वो आए, वो हमारे मालिक, हम उनके गुलाम। पर न्यायालय में न्यायाधीश के सामने भी हमारे शुरुआत कहां से हो रही है? हमको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? आगे आपको समझ में, हमको दंड देना और लेना ये हमारी परंपरा है क्या? मैंने विक्रमादित्य की बात कही, आप नाम बताओ जिनने कहा घमंडिया गठबंधन किया, नाम बोलते ना। बेटा, बहन, मां, तीनों जमानत। और जब उनसे कहते के साहब आपका घमंडिया गठबंधन, हम तो घमंडिया क्यों कहते हैं? अरे घमंडिया इसलिए कहते हैं कि जब तक पूरे देश में कोई के भी मुकदमा बन जाए और आप उसको कोर्ट में चालान के बिना भी जेल में डाल दो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वही कानून आप पे लगेगा तो आप कहते हम पे नहीं लगना चाहिए, हम पे नहीं लगना चाहिए, हम पे लगे हमको कैसे लग सकता। और हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा कानून की बात करने वाला दिल्ली वाला भाई साहब, कानून लिखने वाले भी शर्मा गए होंगे जिनने लिखा था कि कभी ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जेल जाए और वो इस्तीफा नहीं दे। ये लाइन भी लिखी, इसका लाभ लेके भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप ये बताओ, उनके लिए खुद के लिए आप सोचो कि उनके दो मंत्रियों को मुकदमे बने तो सत्येंद्र जैन या सिसोदिया, उनसे इस्तीफे लिए किसने लिए? उनसे क्यों लिए साहब? वो भी अंदर से सरकार का हिस्सा है, या तो वो गलत या आप गलत। अब बताओ गलत कौन? और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक शत्रु यात्रा कर गया है, चार धाम पूरा हो रहा है, हो रहा क्या नहीं हो रहा है? फिर भी मेहमानी किसकी बता रहा है? हम मोदी जी कहते मैं खाऊंगा तो गलत कह रहे क्या? अब ये सब उनके पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो चुनाव किसका हो रहा है? तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना भाई? इस देश की परंपरा तो इतनी उज्ज्वल है, रेल मंत्री थे लाल बहादुर साहब, लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी क्या है, कितने दिन से अंदर, और अपनी पार्टी वाले पे भरोसा है? इससे तो बेचारा बिना पढ़े लिखे बहुत सारे मंत्री मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद देते, वो गए तो उनकी पार्टी वालों को तो काम दे ही है, लेकिन इनको पार्टी वालों पे भी भरोसा है। केवल भरोसा है तो पत्नी बच्चे पे बच्ची पे कहने के लिए लोकतंत्र की बात कर, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर कलंक है कि नहीं? किसकी बात करते? आप कोई राजा महाराजा होते हैं और वो राजा महाराजा को धन्यवाद चाहो जो देश 47 पे आजाद हो रहा था, सबसे सत्ता वल्लभ भाई पटेल ने कहा
कि आप लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हमने सबने संघर्ष किया, अब जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए, तो आप राजा महाराजा सहित आप सबको सरेंडर करो, जनता की सरकार जनता के लिए रहे, तो माँ के पेट से बनने वाला हक खत्म कर दे, राजा का बेटे राजा बनेगा, वो हक खत्म करने के लिए लोकतंत्र की लड़ाई के लिए अलग अलग दलों का उदय हुआ, लेकिन कांग्रेस ने वापस कांटे का रही राजा का बेटा, और अब तो राजा ने भी वो अंतर कर, राजा से कोई लेना नहीं, नवाबों की याद कर। ये जो मुद्दा है आप बताओ, ये बहुत लंबी बहस का विषय हो सकता है, आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन मैंने ये कुछ श्रेणिया बांट के बाद अभी सारा काम हम कर रहे हैं, इसके लिए वो मामले को गलत कर रहे हैं, ये देश तो सदियों से ईमानदार, ये तो बेईमान किसने बनाया, ये अंग्रेज और अंग्रेज के पीछे पीछे कांग्रेस, किसने बेईमान बनाया, ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।